द बोन स्नेचर कहानी शुरू होती है और हमें अफ्रीका के नामीब डेजर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें तीन लोग होते हैं, पॉल, क्लाइव और हार्वी। खैर यहाँ क्लाइव बाकी दोनों को बताता है कि उसे एक लोकेशन के बारे में पता चला है और उसकी मशीन की रीडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ एक वॉल्केनो पाइप हो सकता है। क्लाइव कहने लगता है कि हमें वहाँ हीरे यानी डायमंड्स भी मिल सकते हैं। अब उनका काम ही था डेजर्ट में कीमती चीजों को ढूंढना। खैर अगले सीन में वो तीनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। पॉल को वो लोकेशन देखने में काफी अजीब लगती है क्योंकि उसे वहाँ डेजर्ट में लगे हुए कुछ डंडे दिखाई देते हैं, साथ ही उन डंडों के ऊपर एक अजीब तरह का मास्क भी लगा हुआ था। आगे जाने पर उन्हें एक काफी बड़ा पत्थर दिखाई देता है। अब पॉल जैसे ही पत्थर का सैंपल लेने के लिए उस पर हथौड़े से अटैक करता है, हम देखते हैं कि वो पत्थर अंदर से खोखला है और वो हथौड़े से आसानी से टूट रहा है। पॉल अब उसके अंदर देखने लगता है, तभी उस पत्थर के अंदर से एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कोलंबिया सिटी में एक लैब को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर जैक अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ एक टीम की मदद कर रहा होता है। वो टीम एक रूम में फंसी थी और उस रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो रहा था। दरअसल सिस्टम में कुछ ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा था। टीम के सभी मेंबर जैक से हेल्प मांगने लगते हैं, फिर जैक किसी तरह खुद ही उस ग्लिच को ठीक करके टीम की जान बचा लेता है। तब उसका बॉस वहाँ आकर उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो जैक को दूसरी साइट पर काम करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जैक उसी नामीब डिजर्ट में आ जाता है, लेकिन टैक्सी वाला उसे रोड पर ही छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में उसे वहाँ लेने ऑफिसर आता है। वो जैक को एक माइनिंग कंपनी के बेस पर ले आता है। वहाँ उसे जोहान और एक लेडी ऑफिसर मिकी मिलती है। फिर जैक उन्हें बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और कंपनी ने उसे यहाँ भेजा है। अब मिकी उसके सामान की चेकिंग करने लगती है। उसके पास एक मशीन भी होती है। जैक उसके बारे में बताता है कि ये मशीन रेत के 100 फीट नीचे के पानी को ढूंढ सकती है और साथ ही ये किसी भी अजीब फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है। जैक ने अपनी इस मशीन का नाम चार्ली रखा होता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर टाइटस रेत से एक मरे हुए सांप को लेकर आता है। अब मिकी जैक की एंट्री के लिए एक डायरी को ढूंढने लगती है, लेकिन उस डायरी को जोहान अपनी पैंट में डाल लेता है। तभी एक ऑफिसर कार्ल को जोहान की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जोहान को पीटने लगता है। इसके बाद मिकी उससे डायरी ले लेती है। इसके बाद जैक सबके साथ मिलकर उसी टीम की तलाश में निकल जाता है जिस टीम को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। किसी को उस टीम के बारे में नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। खैर उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर काफी सारा ऑयल रख लिया होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने टाइम तक डेजर्ट में रहना पड़ेगा। उनकी ट्रक ड्राइवर एक लेडी मैगडा होती है। इसी बीच जाते वक्त टाइटस को एक बूढ़ा आदमी एक लॉकेट देता है और उस लॉकेट का चेहरा देखने में बिल्कुल वैसा था जैसा कि डेजर्ट में लगे अजीब डंडों पर था। डेजर्ट में काफी आगे जाने पर उन्हें पिछली टीम का ट्रक मिल जाता है। उन्हें ट्रक के पास ही दो लोगों के कंकाल मिलते हैं। कार्ल उन बॉडीज को देखकर समझ जाता है कि ये क्लाइव और पॉल की है। मिकी कहती है कि इनकी मौत तो अभी 7 घंटे पहले ही हुई है, तो इतनी जल्दी इनकी बॉडी कंकाल में कैसे बदल गई? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कॉल करने को कहती है। तभी कार्ल कहने लगता है कि ये काम जरूर हार्वी ने किया है क्योंकि वहाँ उनके सामने हार्वी की बॉडी नहीं थी। तभी टाइटस उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ दिखाने लगता है। उसे वहाँ किसी के चलने के पैरों के निशान मिलते हैं। अब वो उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये निशान हार्वी के होंगे। कुछ देर तक पैरों के निशानों का पीछा करते हुए टाइटस उन्हें बताता है कि जो निशान शुरू में थे वो 2 पैरों के निशान थे, लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। फिर वो आगे चलते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो डंडे लगे हुए थे। वो जगह देखने में काफी अजीब थी। जैक जैसे ही यहाँ एक मास्क को छूने की कोशिश करता है, तभी टाइटस उसे किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। अब टाइटस देखता है कि जैसा लॉकेट उसके पास है वैसे ही यहाँ मास्क लगा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सबसे कहने लगता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकले। इसके बाद मैगडा उनके पास ट्रक लेकर आती है और वो उसमें बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक और डेड बॉडी का कंकाल मिलता है। कर्ट बॉडी को पहचान लेता है और कहता है कि ये बॉडी हार्वी की है, लेकिन कार्ल को अभी यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसकी बॉडी है। वो मैगडा से कहता है कि हमें आगे जाकर किलर का पता लगाना चाहिए, लेकिन मैगडा उसे आगे जाने से मना कर देती है और कहती है कि कुछ टाइम बाद रात होने वाली है, इसीलिए वो रात में ट्रक को नहीं चलाएगी। खैर इसके बाद वो सब यहीं रुककर रात गुजारने लगती हैं, लेकिन जैक को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने आज के दिन की यादों को याद करने लगता है। फिर वो एक बॉक्स लेकर उसे स्केटबोर्ड बना लेता है और अकेला ही रेत पर से फिसलने लगता है। उसे ऐसा करते हुए मिकी देख रही थी। वो उसकी मशीन को उसके पास लाती और कहती है कि ये काफी टाइम से बीपिंग यानी आवाज कर रही है। जैक मशीन को देखता है और बताता है कि शायद ये यहाँ चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से हो रहा है। खैर यहाँ मिकी उसके क्लोज आने लगती है और वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिकी ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक अभी बाहर ही था।
तभी हम देखते हैं कि उस पर वही क्रीचर नजर रख रहा है। तभी अचानक उसकी मशीन में बीपिंग तेज होने लगती है, यानी उसने क्रीचर से आने वाली फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया था। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने आसपास चेक करता है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। जैक उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो ट्रक के पास जाकर सबको जगाने लगता है और उनसे कहता है कि उसने अभी वहाँ कुछ अजीब चीज देखी है। कार्ल वहाँ देखता तो है लेकिन वो क्रीचर वहाँ से चला गया था। अब कार्ल उससे कहता है कि शायद तुमने ड्रिंक कर ली है इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर जैक उससे कहता है कि उसने एक भालू जितनी बड़ी कोई चीज देखी। फिर कार्ल उससे कहता है कि अफ्रीका का डेजर्ट है और यहाँ जानवरों का दिखना एक आम बात है। इसके बाद मिकी बताती है कि उस डेड बॉडी की हड्डियां उस जगह से गायब हो गई हैं। अब कार्ल को जैक पर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसने ही हड्डियां कहीं छिपाई होंगी। जैक कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम केवल डेटा को कलेक्ट करना है और उसका पता लगाना, और वैसे भी मेरे पास हड्डियों का क्या काम। इसके बाद टाइटस उन्हें एसी खुलू के बारे में बताने लगता है जो कि रेत की रानी है। वो इस दुनिया में अकेली है और वही इंसानों की बॉडी से उनका मांस खींच लेती है और बसती है तो केवल हड्डियाँ। कार्ल को उसकी बातें बकवास लगती हैं। वो सबसे चलने को कहने लगता है। अभी जैक की मशीन में फिर से एक डायरेक्शन से फ्रीक्वेंसी आने लगती है। फिर कार्ल मैगडा से उसी डायरेक्शन में ट्रक चलाने को कहने लगता है लेकिन मैगडा रात में चलने से साफ मना कर देती है। अब कार्ल गुस्से में ट्रक में आकर बैठ जाता है। सुबह होने पर वो निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो ट्रक से उतरकर निशानों को देखने लगते हैं। तभी कर्ट को कुछ दूर वही क्रीचर दिख जाता है। वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। फिर कार्ल एक स्नाइपर गन से उसे शूट कर देता है। उसके शूट करते ही वो क्रीचर नीचे गिरकर कहीं गायब हो जाता है। अब सब वहां जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, पर उन्हें वहां एक कंकाल मिल जाता है। ये वही कंकाल होता है जिसे वो क्रीचर ट्रक के पास से उठा लाया था। फिर वहां मैगडा भी ट्रक लेकर पहुंच जाती है। खैर कर्ट उस डेड बॉडी की हड्डियां उठाकर ट्रक में रख लेता है। अब जैक यहाँ टाइटस से पूछता है कि वो क्रीचर के बारे में और क्या जानता है। टाइटस बताता है कि काफी टाइम पहले वो अपने साथी के साथ यहाँ आया था। अचानक उसका साथी कहीं गायब हो गया और मुझे केवल उसका स्कल यानी खोपड़ी मिली। उसकी ये बातें सुनकर जैक घबराने लगता है। इसके बाद वो सब यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी ट्रक के इंजन में से चिंगारी निकलने लगती है। सब जल्दी से ट्रक से बाहर निकल जाती हैं। मैगडा किसी तरह ट्रक में आग लगने से पहले उसे बुझा देती है। इसके बाद कर्ट ट्रक को देखने लगता है। वो कहता है कि इसे ठीक होने में एक हफ्ता लग सकता है। अब मिकी रेडियो से वेस पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलते। वो सभी यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर में उनके पास से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाता। अब जैक काफी परेशान होने लगता है। तब मैगडा उसे बताती है कि कंपनी हमारे लिए एक ट्रक जरूर भेज देगी जब हमें डिजर्ट में 2 दिन हो जाएंगे। अब वो यहाँ पर अपना टेंट भी लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोहान एक ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया है। अब रात में वो एक एक करके नजर रखने लगता है। कर्ट टाइटस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अब नजर रखे। फिर कर्ट एक जगह आकर सोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की मशीन में फिर से बीपिंग स्टार्ट हो गई है, यानी वो क्रीचर उनके आसपास ही है। अब वो क्रीचर कर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। टाइटस जैसे ही कर्ट को देखता है वो काफी डर जाता है क्योंकि क्रीचर एक तरह की चींटियों के जरिए उस पर अटैक कर रहा था। कर्ट की बॉडी को वो खा रहा था। टाइटस ये देखकर डर जाता है और बाकियों को बुलाने लगता है। तभी चींटियां अब टाइटस के हाथ पर भी अटैक कर देती हैं। अब कार्ल वहां आकर उन पर गन से शूट करता है लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सब बचकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। इसके बाद कार्ल एक ऑयल कैन लेकर उस पर ऑयल फेंकने लगता है। इसके बाद वो एक लाइटर से उन्हें जलाने की कोशिश करता है लेकिन मैगडा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अगर यहां आग लगी तो उनके ट्रक पर रखा ऑयल ब्लास्ट हो जाएगा, इसमें वो सब मारे जाएंगे। तभी वो देखती हैं कि ऑयल की वजह से वो चींटियां दूर हट रही हैं, यानी उस क्रीचर की कमजोरी पेट्रोल ऑयल है। इधर टाइटस की कंडीशन खराब होने लगती है। जैक को मशीन में फिर से बीपिंग आने लगती है। फिर जैक ऑयल को ट्रक के बाहर फेंकने चला जाता है। जब वो ऑयल डाल रहा होता है तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रीचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है कार्ल उसे शूट कर देता है। अब वो क्रीचर वहाँ से जाने लगता है लेकिन कार्ल उसे फिर से शूट करने लगता है लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोकता है। इसे लेकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ मिकी आकर उन्हें रोकती और कहती है कि हमें एक साथ मिलकर उससे लड़ना होगा वरना वो क्रीचर हम सबको मार डालेगा। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो क्रीचर से बचते हुए किसी तरह हेल्प लेकर आएंगे। मैगडा कहती है कि वो टाइटस के साथ इसी ट्रक में रहेगी और उसका ट्रीटमेंट करेगी।
अब टाइटस उनसे कहने लगता है कि वो रेत की रानी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। खैर अगली सुबह जैक, कार्ड और मिकी उन दोनों को ट्रक में छोड़कर हेल्प लेने के लिए जाने लगते हैं। वो अपने साथ एक कैन में ऑयल भी लाए थे, इससे वो क्रीचर से बच पाए। काफी टाइम तक रेत में चलने की वजह से उन तीनों की हालत खराब होने लगती है। अचानक जैक की मशीन फिर से बीपिंग करने लगती है। वो देखता है कि रेत में किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। उस कंकाल पर कुछ चींटियां भी होती हैं। जैक उन चींटियों को देखकर बताता है कि इन चींटियों के पास फॉर्मिक एसिड है। ये एसिड बाकी सब एसिड से खतरनाक है और इसी एसिड से ये चींटियां लोगों को मार रही हैं। इसी बीच उनकी तरफ रेत का तूफान आने लगता है। तूफान काफी तेज था जिस वजह से वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। तूफान जाने के बाद वो सब तो ठीक थे, लेकिन जैक की मशीन टूट जाती है और उनकी कैन से काफी ऑयल भी बिखर जाता है। खैर अब वो आगे जाने लगते हैं। कुछ देर में अब रात भी हो जाती है और वो एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। वो तीनों अपने चारों तरफ ऑयल डालकर घेरा बना लेते हैं। इसके बाद वो तीनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ सोते नहीं क्योंकि वो अगर यहाँ सोए तो ना पता कब वो क्रीचर यहाँ आ जाए। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ वो क्रीचर आ जाता है, लेकिन उसने अपने चेहरे की जगह मैगडा का चेहरा लगाया था। वो तीनों समझ जाते हैं कि क्रीचर ने टाइटस और मैगडा को मार दिया होगा। वो क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऑयल की वजह से वो उनके पास नहीं आ पाता। वो क्रीचर उन चींटियों की हेल्प से ही उन पर अटैक कर रहा था। खैर अब वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उन्हें अपने पास रेडियो की आवाज आने लगती है। वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए पॉल वाले ट्रक के पास पहुंच जाते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वो उसी पत्थर के पास आ जाते हैं। जैक अंदर जाकर उसे चेक करने लगता है। उसके पीछे पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जगह उसी रानी क्रीचर ऐसी खुलुकी है। जैक बताता है कि ये चींटियां डायनासोर के टाइम से पहले की हैं, यानी टाइटस ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। खैर जोहान यहाँ पहुँच चुका था। वो यहाँ पड़ी हुई पॉल और क्लाइव की डेड बॉडी को देखने लगता है। फिर वो उन्हें वहाँ से बाहर बुलाकर उन पर गन पॉइंट कर लेता है। वो उनसे बाकियों के बारे में पूछने लगता है। तीनों बता दें कि बाकी सब क्रीचर के हाथों मारे गए हैं, लेकिन जोहान को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने पास रख लिया और बाकियों का मर्डर भी इन्होंने ही किया। इसके बाद जोहान उन तीनों को हथकड़ी पहनाकर ट्रक से वापस बेस पर ले जाने लगता है। इसी बीच कार्ल उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब वो उसे ट्रक में बांध देते हैं। इसके बाद कार्ल और जैक मैप को देखने लगते हैं कि वो ऐसी खुलू को मारकर ही वापस जाएंगे। जैक बताता है कि ऐसी खुलू शायद अपनी एक कॉलोनी बना रही है जिससे वो अपने जैसे और क्रीचर को पैदा करेगी। अब मिकी एक माइन के बारे में बताने लगती है जो काफी टाइम से बंद थी। उन्हें लगता है कि शायद वो ऐसी खुलू अपनी कॉलोनी वहीं बना रही होगी। कुछ टाइम बाद वो उस माइन तक पहुंच जाते हैं। वो यहाँ जोहान को ट्रक पर ही बंदा छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। तभी कार्ल को उस ट्रक में रखी नाइट्रोग्लिसरीन मिलती है जो कि एक लिक्विड एक्सप्लोजन था। इसे कार्ल अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे माइन के अंदर जाने लगते हैं। तभी जैक को वहाँ एक जनरेटर दिखाई देता है। वो किसी तरह उसके वायर को ठीक करके वहाँ की लाइट को शुरू कर देता है। खैर अब वो तीनों माइन की ओर अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ऐसी खुलू भी यहाँ पहुँच चुकी है। कार्ल उसे देख लेता है और अकेले ही उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे अकेले जाने से जैक और मिकी दोनों मना करते हैं। फिर वो क्रीचर उस पर एक लोहे की रोड गिरा देता है जिससे कार्ल का पैर उसके नीचे फंस जाता है। अब वो क्रीचर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जैक गन से फायर करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। अब वो क्रीचर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जल्दी से भागता हुआ एक गड्ढे के पास आ जाता है। वो किसी तरह उस क्रीचर को उस गड्ढे में गिरा देता है। इधर मिकी कार्ल को रॉड के नीचे से बचा लेती है। कार्ल जैक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगता है। तभी वो क्रीचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। जैक और मिकी उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं। फिर कार्ल अपने पास रखे नाइट्रोग्लिसरीन को लेकर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ एक केमिकल ब्लास्ट हो जाता है। जैक और मिकी उस ब्लास्ट से बचते हुए दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की दीवारें हिल जाती हैं। तभी उनकी नजर वहाँ रखे एक ककून पर पड़ती है। जैक बताता है कि हो सकता है कि ये इस क्रीचर का ब्रेन हो। तभी हम देखते हैं कि चींटियों का झुंड उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। फिर जैक अपने पास से एक चाकू लेकर उस ककून में मार देता है। इससे उस क्रीचर की अब मौत हो जाती है। माइन की दीवारें गिरने लगती हैं। वो दोनों किसी तरह उससे बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि जोहान पर उस क्रीचर ने अटैक कर दिया था। जब वो तीनों माइन में गए थे तो उसके अटैक करने की वजह से जोहान की मौत हो चुकी थी। आगे सीन चेंज होता है और हम एक जगह को देखते हैं। ये वही जगह होती है जहां शुरू में टैक्सी वाला जैक को छोड़कर गया था।
जैक अब इसी डेजर्ट के बेस पर रहने का डिसाइड करता है। कुछ देर में मिकी को लेने एक टैक्सी आती है। अब वो अपने साथ कुछ सामान लेकर सिटी की तरफ जाने लगती है। वो जाते हुए जैक को वही लॉकेट देती है जिसे बूढ़े आदमी ने टाइटस को दिया था। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो वो सामान अपने साथ ले जा रही है उसके अंदर ऐसी खुलू का एक ककून भी है। और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।